खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रेवाड़ी में आपको बता दें कि जिला इकाई के सदस्यों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि 15 जुलाई तक स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हुआ है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाए और अगर सरकार अवकाश को आगे बढ़ाती है तो हरियाणा स्कूल एसोसिएशन सड़कों पर उतरेगी, सरकार के फैसले का विरोध करेगी। उन्होंने 6 सूत्री मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को भेजा है। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है, प्रदेश की बेहतरीन आबकारी नीति के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। 2021-22 की प्रथम तिमाही में 1,751.4 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। तो आबकारी विभाग से आपको बता दें 1,751.4 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। बीते साल पहली तिमाही में 1,370.86 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ था और इस साल करीब 28% की इसमें वृद्धि हुई है। ये एक अच्छी बात है। बताएं आपको, इसी साल जून महीने के दौरान विभाग ने 1,004.70 करोड़ रुपए जमा किए। आबकारी और कराधान विभाग ज्यादा राजस्व देने वाला एक अहम विभाग है। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बयान सामने आया है। चंडीगढ़ में उन्होंने बयान दिया, कहा कि प्रदेश की बेहतरीन आबकारी नीति के सकारात्मक जो अच्छे परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 2021-22 में जो राजस्व जमा हुआ उसकी जानकारी दी गई आबकारी विभाग से, करोड़ों रुपए का जो राजस्व है वो प्राप्त हुआ है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में सभी जिलों में बीजेपी विस्तारकों की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक को लेकर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह कहा कि इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा जिला विस्तारकों के माध्यम से कैसे काम किया जाए, इस पर बात की गई है। उन्होंने बताया कि उनकी एक बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बुधवार को होगी, जिसमें सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे और सरकार की जनता को लेकर बनाई गई नीतियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जहां इस दौरान 4 नवनियुक्त हल्का अध्यक्षों की फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत हुआ है। इस मौके पर सभी चारों जिला अध्यक्षों ने कहा है कि वो इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर निर्माणाधीन मकान में पुलिस ने छापेमारी की है, जहां पर पुलिस को मकान से 280 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। छापेमारी की सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। बताएं कि इस मामले पर थाना शहर प्रभारी का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन मकान में अवैध गांजे का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मकान में छापेमारी की तो मौके से 280 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस ऑनलाइन माध्यम से दुर्गा शक्ति ऐप के प्रति जागरूक कर रही है, साथ ही इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड भी करवा रही है, जिससे कि मुसीबत के समय यह ऐप उनके काम आ सके और उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इसी को लेकर महिला थाना SHO इंस्पेक्टर सोमवती ने डेवी गर्ल्स कॉलेज में वुमेन सेल यूथ क्लब और NCC के संयुक्त तत्वावधान में महिला सुरक्षा विषय पर ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से जागरूक किया गया।
हरियाणा के यमुनानगर में एक साल पहले प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फाइनेंसर की महिला मित्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि यमुनानगर के ग्रीन पार्क इलाके में पिछले साल 4 अप्रैल को संदीप गुलाटी की गोली लगने से मौत हो गई थी। उस समय कहा गया था कि अचानक गोली लगने से संदीप की मौत हुई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर मौके से कुछ सैंपल इकट्ठा किए, जिसे एफएसएल मधुबन भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद और मृतक के बेटे द्वारा शंका जाहिर किए जाने पर यमुनानगर पुलिस ने संदीप गुलाटी की महिला मित्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का आह्वान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के थाली बजाने के विचार की तर्ज पर 8 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने और अपने वाहन सड़क किनारे लगाने को कहा है और इसके साथ ये भी कहा है कि किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर रोज विरोध प्रदर्शन करेंगे और उस दौरान सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र भी दिया जाएगा। इस पत्र के जरिए वो विपक्षी सांसदों को 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए भी कहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का सरकारी आवास घेरने जा रहे अस्थायी शिक्षक चंडीगढ़ पुलिस के साथ भिड़ गए। शिक्षकों को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के जवान और शिक्षकों को चोटें आई हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने शिक्षकों को चंडीगढ़ में नहीं घुसने दिया। बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाहर पिछले कई दिनों से पंजाब के अलग अलग जिलों के शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।